नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। ईसाई समाज में गुड फ्राइडे का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुड फ्राइडे का अर्थ है शुभ शुक्रवार। इस बार गुड फ्राइडे कल 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन को पुण्य शुक्रवार भी कहा जाता है। ये दिन ईसाइयों के लिए बहुत खास होता है। यह ईसाई समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस त्योहार को अन्य नामों से जैसे ब्लैक फ्राइडे, होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन है जब ईसा मसीह ने धरती पर बढ़ रहे पाप के लिए बलिदान देकर निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दिन ईसा मसीह ने उत्पीड़न और यातनाएं सहते हुए मानवता के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस दिन ईसा मसीह ने प्राण त्यागे थे उस दिन शुक्रवार था और उसी की याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। लेकिन अपनी मौत के 3 दिन बाद ही ईसा मसीह पुनः जीवित हो उठे थे और उस दिन रविवार था। इस दिन को ईस्टर संडे कहते हैं। रविवार के दिन सिर्फ एक स्त्री मेरी मैग्डलेन ने उन्हें उनकी कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाने लगा। ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबिल यूहन्ना 18:19 में इस घटना का विस्तार विवरण से मिलता है। ईसा मसीह को जिस जगह पर सूली चढ़ाया गया था उसको गोलगाथा नाम से जाना जाता है। यह जगह इसराइल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र में है। इस जगह को हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लेजिलेशन है। होली स्कल्पचर से चर्च ऑफ फ्लेजिलेशन तक के मार्ग को दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है। यात्रा के दौरान 9 ऐतिहासिक और पवित्र स्थल हैं। चर्च ऑफ फ्लेजिलेशन वह स्थान माना जाता है जहां सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगाथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। निर्दोष होने के बावजूद जब उन्हें सलीब पर लटकाकर मारने का दंड दिया गया तो उन्होंने सजा देने वालों को उलाहना नहीं दिया बल्कि प्रार्थना करते हुए यह कहा कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह को इसलिए मृत्युदंड दिया गया क्योंकि ईसा मसीह अन्याय और घोर विलासिता तथा अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तब यहूदियों के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ खास नहीं लगा। उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मृत्युदंड की दर्दनाक सजा सुनाई। बाइबल के अनुसार ईसा को जिस जगह सूली पर चढ़ाया गया था उसका नाम गोलगोथा है। गोलगोथा एक ऊंचा टीला था जहां प्रभु यीशु ने अंतिम सांस ली थी। अंत में उन्होंने परमपिता परमेश्वर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तुझे सौंपता हूं। बताया जाता है कि जब ईसा मसीह 6 घंटे के लिए सूली पर लटके थे तो उनमें से 3 घंटे के लिए पूरे राज्य में अंधेरा हो गया था और एक तेज जलजला आया। कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गई और पवित्र मंदिर का पर्दा नीचे तक फट गया था। ईसा मसीह परिवर्तन के पक्षधर थे। उन्होंने मानव प्रेम की सीमा नहीं बांधी बल्कि अपने बलिदान से उसे आत्मकेंद्रित एवं स्वार्थ से परे बताया। कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर आता है कि जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया उस दिन को गुड यानी अच्छा कैसे कहा जा सकता है। असल में ईसाई समुदाय में यह मान्यता है कि ईसा मसीह ने अपने समुदाय की भलाई के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए इस दिन को गुड यानी अच्छा कहकर संबोधित किया जाता है।
क्योंकि यह दिन शुक्रवार को आता है, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। इस दिन को उनकी कुर्बानी दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार ईसा मसीह भगवान के बेटे हैं। उन्होंने अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए मौत की सजा दी गई। गुड फ्राइडे के दिन लोग उपवास रखते हैं और गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना करते हैं। लोग चर्च में क्रॉस को चूमकर उनका स्मरण करते हैं। इस दिन दान धर्म के कार्य भी किए जाते हैं। उपवास के बाद मीठी रोटी बनाकर खाई जाती है। गुड फ्राइडे के दौरान दुनिया भर के ईसाई चर्च में सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए चंदा या दान भी देते हैं। इस उपलक्ष्य पर प्रभु यीशु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लोग 40 दिन पहले से उपवास भी रखते हैं। इस रस्म को लैंड के नाम से जाना जाता है। इस बार 26 फरवरी से मसीह समाज के लोग यह शोक मना रहे हैं। यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करके घर घर में प्रार्थना सभा, बाइबल अध्ययन, संगीत, प्रवचन व प्रार्थना कर लोगों को अपने पापों से शुद्धिकरण, पश्चाताप करने, अपने गुनाहों की माफी के लिए तैयार करते हैं। प्रतिदिन यह प्रार्थना उपवास का दौर पिछले 40 दिनों से घरों में लगातार चलता आ रहा है, ताकि सबका उद्धार हो सके। गुड फ्राइडे को ईसा समुदाय के लोग बड़े स्तर पर मानते हैं। उनके घरों में गुड फ्राइडे के 40 दिन पहले से ही प्रार्थना और उपवास रखना शुरू कर दिया जाता है। गुड फ्राइडे के उपवास में शाकाहारी खाना खाया जाता है। 40 दिन बाद जब उपवास खत्म होता है तो लोग गुड फ्राइडे के दिन चर्च जाते हैं और अपने ईसा मसीह को याद कर शोक मनाते हैं। इस दिन ईसा मसीह की अंतिम बातों की विशेष व्याख्या की जाती है, जो त्याग, क्षमा, सहायता, सामंजस्य पर केंद्रित होती है। मसीह समाज के धर्मगुरु आसन चाइल्ड का कहना है कि गुड फ्राइडे के पहले गुरुवार को पवित्र भोज विधि, जो प्रभु ईसा मसीह ने मृत्यु से पूर्व अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया था, यह दिन प्रभु भोज के नाम से जाना जाता है। सभार डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।